Good evening, everyone. Now I'm going for walking. मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं शाम को ऑफिस से आके फिर मैं चलने के लिए जाती हूँ. अभी इवनिंग टाइम पे मैं चलने के लिए जा रही हूँ. मैं सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं ऑफिस से आके जाती हूँ. दिनों के बाद सोचा ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि फुल टाइम जॉब करके रेगुलर ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं होता है. तो चलो मैं चल के आती हूँ फिर आके बात करती हूँ. आज ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ क्योंकि थोड़ा निकलने में लेट हो गया है और आज थोड़ा थकावट भी लग रहा है. तो अभी घर के तरफ ही पहुँच चुकी हूँ. फिर घर जाके बात कर दूँ. घर जाके फिर डिनर भी बनाना पड़ेगा. फिर देखती हूँ आज वीडियो ख़त्म कर पाऊँगी क्या नहीं. चलो तो अभी घर आ चुकी हूँ. अभी सोती हूँ. अभी मुझे किचन में जाना है और फिर मैं अभी ना एक टैन पैक लगाऊँगी DIY. मैं किचन में जाके वो लगा के फिर खाना बनाऊँगी. तो मेरा धूप में घूमने की वजह से बहुत टैन हो गया स्किन पे तो इसलिए मुझे पैक लगाना पड़ेगा. अभी चल रहा है जिप्सी. फिर ये बनाने के बाद मैं एक डी टैन फेस पैक लगाऊंगी. बहुत ईजी तरीके से बनाते हैं जो. तो अब तो सब शेयर करूँगी. रात का डिनर पराठा, एक भुजी का रोटी, एक भुजी और दाल. क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? बेबी एप्पल चीज. व्हाट इज दिस? एग. डोंट डू. मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक भुजी बना रही हूँ. मेरा रेसिपी है, मतलब एक को मैंने अलग से फ्राई कर लिया, फिर टमेटो, ऑनियन, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट अलग से मैंने पेस्ट बना के फिर एक भुजी को उसके अंदर डाल के थोड़ा टमेटो सॉस, नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के मैंने उसको फ्राई करी. बहुत अच्छा होगा. गुनगुन पहली बार, गुनगुन फर्स्ट ट्राई करने वाली है तो उसके पास पता चल जाएगा कैसा हुआ है. शी विल से यम्मी. चलो देखते हैं कैसा होता है. तो दिस इज द लुक ऑफ माय एग भुर्जी. गुनगुन ने टेस्ट किया और शी सेड इट्स यम्मी. होप इट्स यम्मी. चलो अभी मैं फेस पैक लगाती हूँ, डी टैनिंग का फेस पैक. आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. पैक बना रही हूँ. इसके लिए मैंने एक नींबू लिया, आधा नींबू, 1 स्पून जूस. फिर उसके साथ शुगर ऐड कर लियो. ये शुगर गल जाने के बाद भी आप फेस पे लगा सकते हो और नहीं तो
नहीं तो ऐसे शुगर के साथ भी आप लगा सकते हो फेस पे, क्योंकि मेरा हाथ पूरा टैन हो चुका है, मेरा फेस भी टैन हो चुका है। और अगर ये शुगर के साथ लगाओगे तो स्कार्फ का काम होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो गलने के बाद भी ये लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, फिर मैं अभी लगाऊंगी। तो ये देखो दोस्तों, मेरा पैक रेडी है, पूरा मेरा शुगर गल चुका है, पर अभी मैं लगाऊंगी, अभी मैं फिर फेस पे लगाऊंगी और हाथ पे और पैर में भी लगाना है, पूरा जल चुका है। एक सेकंड। तो मैं बहुत थकावट सी लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा अब डल लग रही हूँ, और तो मैं भी कॉटन से मैंने ऐसे करके लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरा 2-3 पिंपल्स हुआ था तो इसलिए स्पॉट आ गया। हाँ, इस टाइप का स्पॉट दूर करने के लिए अगर आप हनी डाल दो तो धीरे धीरे चल जाता है, चला जाएगा ये वाला। पर ये शुगर और नींबू का जो ये पैक है डिटेन के लिए बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो और एक टोमेटो को आप आधा करके भी आप रब कर सकते हो, उस पर भी सारे टैन रिमूव हो जाता है। मुझे पैर में डालना है, मतलब दो पैर के ऊपर, फिट के ऊपर बहुत ही खतरनाक टैन है मेरा। ये देखो कितना टैन आ गया है, और ये अगर मैं हफ्ते में 2 दिन डालूंगी पूरा टैन चला जाएगा। तो मैंने ये डाल लिया, अभी मुझे तो हाथ पे और पैर में भी लगाना है। सॉरी, 20 मिनट्स तक मुझे वेट करना है, फिर जाके मैं वॉश कर दूँगी। ऐसे अगर हफ्ते में 2 दिन करो ना तो सारा मेरा टैन रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोगों को किसी को ऐसे टैन का प्रॉब्लम, अभी गर्मी के टाइम पे टैन हो ही सकता है, तो बस घर आके आप लोग या नहाने से पहले ये पैक अगर लगाओगे तो 2 दिन में एकदम पूरा टैन चला जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ। ओके, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ 20 मिनट तक। देखो मैंने फेस क्लीन करके धो के आई हूँ, बहुत फ्रेश लग रहा है। ये वाला अब हफ्ते पे 2 बार यूज़ करने से ही मतलब ये टैन सारे क्लीन हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी इसका रिज़ल्ट मिल चुका है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी ट्राई कर चुका है। ये बहुत ही अच्छा पैक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोग को ट्राई करने के बाद अगर रिज़ल्ट अच्छे मिले तो ज़रूर मुझे बताना, अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। एंड हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज कॉर्पोरेट करना, वो भी फॉलो कर लेना, और मेरा ब्रांड पेज है कॉर्पोरेट करना .storage, प्लीज़ वो भी फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।